यदि आप भी YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं या Facebook या Instagram के लिए, तो आपको कभी ना कभी अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही फ्री एप्लीकेशन के ऊपर जो कि आपको आसानी से प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाता है और आप इसका यूज करके बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि इस एप्लीकेशन का आप यूज करके बहुत साफ साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप यहाँ पे आपको कोई लैगिंग देखने को नहीं मिलेगी। साथ में यहीं पे आपको एक ही टैप के अंदर आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे हाई क्वालिटी में और बहुत अच्छी जो है साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की सहायता से। वहीं पर आपको मिलता है यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल टूल मिलते हैं वीडियो एडिटिंग के संबंध में, अर्थात यहाँ पे आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, जो कि इसी के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे आप जो रिकॉर्ड कर सकते हैं विद कैमरा, अर्थात यहाँ पे आप चाहें तो अपने वेब कैमरे के तरीके से यहाँ पे साइड में कैमरा भी आपका चलेगा और आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा टूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में आप इसको क्या शेयर कर सकते हैं और वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आसान होता है, इसको बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं आती है और आज हम सिखा भी देंगे आप कैसे इसको यूज करना है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर भी मिलते हैं जहां पे आप चाहे जिस प्रकार से सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे आप रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं, क्वालिटी, एफपीएस, ओरिएंटेशन को कर सकते हैं, रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, सेव लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, हाई लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हैं या लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जो यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जो इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और कैसे आप अपने इसको मोबाइल के अंदर डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूं केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि किसी गलत यूज के लिए। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज करें, ना कि किसी गलत यूज में लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद फिर हम दिखाते हैं आप कैसे इसको कार्य कर सकते हैं। प्ले स्टोर का लोगो आप देख सकते हैं, सिंपल सा इस प्रकार से आपको प्ले स्टोर का लोगो दिखाई देता है। इस लोगो में यहाँ पे आपको सिंपल से एक बार क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल से टाइप कर देना होगा A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे टाइप करते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डर आपको टाइप करना है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइप करेंगे, स्क्रॉल करना है, जिसमें आपको एक्स रिकॉर्डर लिखा मिल जाए वो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स रिकॉर्डर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना ये जो एक्स रिकॉर्डर है ये वाला मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे होते हैं लेकिन को सभी अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, इसलिए मैं ये एप्लीकेशन ही आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इसके बाद यहां पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करके यहां पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके विषय में देखना चाहते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके 60 या 6 मिलियन जो है व्यू है, 4.7 की रेटिंग यहां पे मिलती है और यह बहुत हल्का है, 15 MB का सॉफ्टवेयर है और यहां पे आप देखें तो इसके 100 जो है प्लस मिलियंस क्या है डाउनलोड हो चुके हैं, था बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं अपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक। जैसे इंस्टॉल के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत हल्का सॉफ्टवेयर है तो बहुत फास्ट क्या है इंस्टॉल हो जाता है। अब इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपल से ये ओपन का जो ऑप्शन है इसी के ऊपर आपको क्या है क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम ओपन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ओपन हो चुका है। अब इसके बाद ओपन हो रहा है तो यहाँ पे ओपन होने के बाद हम इसमें समझते हैं थोड़ी चीजों को। तो यहाँ पे आपसे देखो पूछेगा इनेबल फ्लोटिंग मोड। अगर आप इनेबल फ्लोटिंग मोड करना चाहते हैं, फ्लोटिंग मोड का मतलब क्या होता है कि जितने भी इसके आइकन्स आएंगे जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर का, मार्कर का या
वेब कैम का या स्क्रीन शॉट का, ये सभी चीज़ें आपके लैपटॉप पे मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जहाँ पे आप चाहे उनको क्या है स्क्रॉल कर सकते हैं। इसलिए मैं इनेबल फ्लोटिंग मोड को रखता हूँ और नॉट दिस टाइम इसको मैं ऑन करने के लिए इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ। तो ये जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा और ये आपसे पूछेगा कि आप अपने मोबाइल के अंदर इसको ऑन करना पड़ेगा, अर्थात किन किन अप्लीकेशन के ऊपर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं। तो मैं इसको हर एक उसके ऊपर ऑन रखना चाहता हूँ, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका जो एक्स रिकॉर्डर है वो नीचे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको बस ये वाला जो है ऑन करना होगा। तो इसके ऊपर हम ऑन कर देते हैं, अर्थात परमिशन हम दे देते हैं। इसके बाद बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा अलाउ एक्स रिकॉर्डर एक्सेस टू फोटोज एंड मीडिया ऑन योर डिवाइस। तो मैं यहाँ पे परमिशन दे सकता हूँ, आप चाहे तो डोंट अलाउ का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी अलाउ कर लेता हूँ जिससे फुल फीचर यहाँ पे दिख जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज को बताएगा कि आपके मोबाइल के अंदर कितना स्टोरेज बचा हुआ है। उसके बाद फिर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है ये वेबकैम का होता, अर्थात जो है आप स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे उसमें आपकी एक इमेज भी दिखती रहेगी। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कैमरे का, जो कि यहाँ पे आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद ये होता है ब्रश का और ये स्क्रीन शॉट का है और ये यहाँ पे फ्लोटिंग मोड है, जहाँ पे आपको हर एक चीज कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखो अगर इस फ्लोटिंग मोड के ऊपर आप सिंपल से एक बार क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर भी आपको बहुत चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये होता है यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ये सेटिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे और भी चीजें। तो अगर आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे मोबाइल का ये ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सभी चीजों को समझते हैं कि कैसे कस्टमाइज करना है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको ऑडियो या सेटिंग का। ऑडियो सेटिंग का क्या होता है ऑप्शन, इसके ऊपर देखो मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे नॉइज को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। माइक्रोफोन को यहाँ पे आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, तो ये माइक्रोफोन का ऑप्शन अभी हमने सिलेक्ट रखा था। इसके बाद यहाँ पे मिलता है इंटरनल ऑडियो, अगर आप इंटरनल ऑडियो को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन को। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनल और प्लस माइक्रोफोन दोनों सिलेक्ट करें तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें भी आप यहाँ पे माइक्रोफोन को बढ़ा सकते हैं, इंटरनल माइक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर साथ में यहीं पे ऑप्शन आपको ये मिलता है म्यूट का, अगर आप कोई भी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल से इस म्यूट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो कोई भी आप यहाँ पे ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये होता है यहाँ पे माइक से सेटिंग। तो मैं भी यहाँ पे इंटरनल प्लस माइक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे दोनों चीजें मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकूंगा और मैंने दोनों को फुल कर देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे बैक पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बैक पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है वीडियो सेटिंग का। वीडियो सेटिंग को थोड़ा समझते हैं कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो सेटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा रिजोल्यूशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो रिजोल्यूशन में आप यहाँ पे 720 1080 तक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 180 सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिलता है क्वालिटी का ऑप्शन। क्वालिटी के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्वालिटी में भी ऑटो है, सिस्टम बीपीएस जो भी आप चाहेगा, 60 वाला रखते हैं एमबीपीएस तो बहुत ज्यादा क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होगा, तो मैं इसको रख लेता हूं। आप चाहे तो ऑटो रख लेते हैं। इसके बाद फिर आपको ऑप्शन यहां पे नीचे मिलता है थोड़ा सा फ्रेम का, एफपीएस, ये फ्रेम भी आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेम पे क्लिक करना होगा। तो यहां पे आप देखो 120 फ्रेम और 90 फ्रेम के लिए तो आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन 60 फ्रेम तक आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ये हो गया, इसके और नीचे भी फ्रेम थे, तो यहां से अभी हम इस पे ओके के ऊपर यहां पे क्लिक कर देते हैं, ये मेरी सेटिंग हो जाती है। इसके बाद फिर यहां पे थोड़ा सा नीचे हम आने वाले हैं और यहां पे मिलता है ओरिएंटेशन। आप चाहे तो ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, ऑटो में कर सकते हैं। ऑटो का मतलब है आपको मोबाइल अगर इस प्रकार से होगा तो ऐसे रिकॉर्ड होगा, ऐसे होगा तो ऐसे रिकॉर्ड होगा, तो ऑटोमेटिक यहां पे मैं ऑटो ही रख लेता हूं। इसके बाद यहां पे सेव लोकेशन का ऑप्शन मिलता है कि आप कहां पे वीडियो को सेव करना चाहते हैं। अगर आपके इंटरनल स्टोरेज कम है तो आप अगर एक्सटर्नल मेमोरी यूज करते हैं तो वहां पे इसको सेव का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेव के ऊपर यहां पे ओके करता हूं तो यहां पे पूछेगा वार्निंग, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है उसमें हो सकता है डेटा आपका हट जाए, तो इसलिए वार्निंग दे रहा है। तो मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूं और एक्सटर्नल में सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां पे थोड़ा सा और आते हैं तो वीडियो सेगमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि क्रिएट अ न्यू वीडियो फाइल ऑटोमेटिकली व्हेन 2GB
ये ऐसा हम नहीं करना चाहते, हम जितना चाहे उतना रिकॉर्ड करें। इसलिए इसके ऊपर आपको सिंपल से एक बार क्लिक करना होगा, यहाँ पे इसको आप बढ़ा देना, 3 GB तक कर देते हैं। 3 GB जब वीडियो होगा तो ये क्या है, ऑटोमेटिक मेरा रुक जाएगा। यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद रिपेयर सिस्टम UI का है, और यहाँ पे आपको मिलता है और भी चीज़ें हैं जैसे अवॉइड, ये चीज़ें हमें नहीं है। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग मोड है, नॉर्मल मोड है, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस मोड सिलेक्ट करेंगे जिससे अच्छा वीडियो रिकॉर्ड होगा। काउंटडाउन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 3 सेकंड है, आप इसको कम भी ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 5 सेकंड कर सकता हूँ या आप कर सकता हूँ। पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट, सही है, जब स्क्रीनशॉट लें तो ऊपर भी ही आना चाहिए। फिर क्या, हाइड रिकॉर्डिंग सेव विंडोज, ये प्रो के अंदर ही आपको मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाइड फ्लोटिंग मोड बाल ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, ये चीज़ यहाँ पे आप टिक करते हैं तो हाइड हो जाएंगे। सेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैं नहीं ओके करता हूँ, क्योंकि अगर ये ओके करेंगे तो मेरा अगर मोबाइल हिल जाएगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। सेक फोन, इसके बाद कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ, ये मैं ऑन कर देता हूँ, इससे अगर मेरा फोन ऑफ ही हो जाए तो भी क्या रिकॉर्डिंग यहाँ पे चलती रहे। इसके बाद फिर यहाँ पे टूल से रिलेटेड आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं देखने को, उन पे हम बात करते हैं। जैसे कि टूल में आपको एक कैमरा मिलेगा, स्क्रीन शॉट का और ब्रश का। तो मैं अगर कैमरे के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो कैमरा मेरा यहाँ पे देखो आ जाएगा। वाइल यूजिंग ऐप में कर देता हूँ तो ये कैमरा देखो यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने फेस के आगे लाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा भी आपको दिख रहा होगा, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से कैमरे का मोड आता है, मैं इसको अभी यहां से ऑफ कर देता हूं। इसके बाद स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, अगर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका एक फ्लोटिंग मोड का बबल बन जाएगा। यहां पे इसके ऊपर क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, तो बहुत आसान होता है स्क्रीनशॉट लेना। तो मैं यहां पे स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकता हूं, जैसे यहां पे क्लिक करेंगे आसानी से स्क्रीनशॉट यहां पे आपका हो जाएगा आपके मोबाइल का। तो आप जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट बनके आ चुका होगा, ये आप देख सकते हैं। और स्क्रीनशॉट को आप चाहें तो यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप इसको चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इससे क्या है मेरा ये सेव हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रश का, जो अभी मोड है, इस ब्रश से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ब्रश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे ब्रश बन चुका है। इस ब्रश के ऊपर आप क्लिक करके देखो नीचे भी ब्रश आ चुका है, यहाँ से आप चाहे जैसे इतने पे लगाना है यहां से ब्रश कर सकते हैं, यहां से एरो लगाना है एरो लगा सकते हैं, सर्कल अगर आपको चूज करना है सर्कल से आप चीजों को बता सकते हैं, सिंपल से यहां पे सर्कल का यूज कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये होता है ब्रश का ऑप्शन, जो कि बहुत ही अच्छा यहां पे आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। और भी यहां पे चीजें हैं, आप यहां पे कलर भी ब्रश का चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कलर चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये सब चीजें इसके अंदर आपको यहां पे फीचर देखने को मिलते हैं। तो अभी हम इसको यहां से हटा देते हैं, तो फ्लोटिंग मोड को यहां से हटा देते हैं और ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन जो इधर साइड में बनाया था लोगों, इसको भी हटा देते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे टच मोड है, अगर टच मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप टच करके चीजों को कर सकते हैं। कस्टमाइज फ्लोटिंग मोड का ऑप्शन मिलता है, उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर लिखा है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग रीजन को आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, टाइमिंग रिकॉर्डिंग का सेट कर सकते हैं। तो टाइमिंग रिकॉर्डिंग का है, मैं यहाँ पे नहीं सेट करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 5 सेकंड वीडियो रिकॉर्ड हो, 5 मिनट रिकॉर्ड हो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए तो भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसके विषय में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन रिकॉर्डर का बहुत आसानी से अपने मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करना है, अब मान लिया यहाँ से आप सभी चीज़ों को हटा देते हैं, एक बार है मैंने हटा दिया, आपके मोबाइल के अंदर भी मिल जाएगा। या यहाँ पे देख सकते हैं इसका लोगो है, इस लोगो को भी मैं पहले हटा देता हूँ, फिर मैं आपको अपने मोबाइल में इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको जाना है, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा आपके सामने, हो सकता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आए अगर इंटरनेट से कनेक्ट है। तो अभी ये ओपन हो चुका है, अब अगर आप इसको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और ये देखेंगे फ्लोटिंग मोड जो है अभी आपका यहाँ पे इस साइड में दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आसानी से क्या है ये ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये ओपन होने के बाद आप चाहते हैं तो यहाँ पे जो अगर पुनः मान लिया यहाँ पे लाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर लिखने वाला, तो यहीं पे आपको जाना है और ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्ट उसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आप उन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट आया है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से।
इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, वही ऑप्शन ये आपको मिल रहे थे। अगर आपको कैमरा चाहिए तो कैमरा सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रश चाहिए ब्रश, तो मैं ब्रश चाहिए तो मैं ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे बैक पे आ जाते हैं। अब ये देख सकते हैं आपको ब्रश का भी यहाँ पे मिल गया है, ब्रश के ऊपर क्लिक करके आसानी से आप जो भी चाहे ब्रश वैसा यूज कर सकते हैं। एरो चाहिए, एरो के ऊपर क्लिक करके एरो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एप्लीकेशन है और बिल्कुल फ्री में है। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।